हाँ मुझे पता है आप में से ऑलमोस्ट सब लोगों ने Redmi Note 7 Pro का अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो देख लिया है। ठीक है, अब आ ही गए हो तो ये भी देख लो यार, कौन सा भर्ती मारने जाना है आपको। ठीक है, देख लो। यो व्हाट्सअप गाइस, शुभ है कामचोर वैभव बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। और क्या बोलते हैं नागपुर की पब्लिक, कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मजे कर रहे होंगे। और क्या यार, सो गाइस मैं अभी मेरे घर पे हूँ, घर जो गांव में और गांव जो है नागपुर से थोड़ा दूर है। सो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि फाइनली मैंने अपना नया फोन कैसे खरीद लिया। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ी गर्मी हो रही है और बाहर जाके बात करते हैं। बहुत बढ़िया। सो गाइस बात ऐसी है कि मैं अपना व्लॉग जो है अपने फोन से बनाता था और मेरा फोन जो है खराब हो गया था, जिसकी वजह से मुझे एक नया फोन खरीदना पड़ा। उसकी अनबॉक्सिंग आज हम करने वाले हैं, लेकिन उस फोन के पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है जो मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगा। वो काफी इंटरेस्टिंग है, आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, और गाइज मेरे फोन का बजट जो है वो बन नहीं रहा था, मतलब मैं थोड़े थोड़े पैसे जमा कर रहा था, कुछ पैसे जमा हो जाते थे और वो खर्च हो जाते थे। वैसे हमेशा चलता रहा, जमा होते थे खर्च हो जाते थे, जमा होते थे खर्च हो जाते थे, ऐसे करके वो हुआ ही नहीं। कभी कभी लगा मुझे कि साला कोई काम करूँ, लेकिन काम तो मैं कर नहीं सकता था क्योंकि तुम्हारे भाई का नाम ही कामचोर वैभव है, क्या करें अभी मैं। ठीक है, बताइए आप क्या करें। फिर मैंने सोचा कि अपने घर पे पैसे मांग लूँ फ़ोन खरीदने के। घर पे पैसे मांगना ठीक नहीं रहेगा, मतलब कैसे इतने बड़े हो गए और घर पे पैसा मांगे, ये कुछ जमा नहीं है अपने को, जमा नहीं, इसलिए वो प्लान ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो गाइस अपना बजट तो कुछ जमा नहीं। ठीक है, तो ऐसा लग रहा था कि अपने सारे पैसे आने के दरवाजे जो है बंद हो चुके हैं, फिर क्या करें। फिर मुझे ऐसा लगा कि धन वर्षा यंत्र ऑर्डर कर लूँ। आपको नहीं पता धन वर्षा यंत्र क्या होता है, रुकिए मैं आपको बता दूँ। नमस्कार, धन वर्षा यंत्र प्रोग्राम में आपका स्वागत है। धन वर्षा यंत्र ये ऐसा यंत्र है जो आपकी पैसा एवं धन संबंधित सारी समस्याओं का निवारण करता है। धन वर्षा यंत्र में लगा हुआ जो धातु है वो एक वाइब्रेनियम पदार्थ का बना हुआ है, जो खास वकांडा शहर से मंगवाया जाता है सिर्फ और सिर्फ धन वर्षा यंत्र बनाने के लिए। अगर आप धन वर्षा यंत्र अपने घर में स्थापन करते हैं तो एक हफ्ते के अंदर आपके घर में धन की वर्षा होगी। तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से अपने स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए और अपना धन वर्षा यंत्र घर बैठे मंगवा लीजिए और अपने घर पे धन की वर्षा का आनंद पाइए। वैसे तो धन वर्षा यंत्र की मार्केट में कीमत है 5,000 रुपए, लेकिन हम ये आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपए धनराशि में उपलब्ध करवा के दे रही है। तो जल्दी से जल्दी अपना धन वर्षा यंत्र मंगवा लीजिए और आनंद लीजिए, आनंद लीजिए। तो चलिए दोस्तों हम निकलते हैं पहली फुर्सत में, धन्यवाद। ये होता है धन वर्षा यंत्र। बाद में पता चला कि साला धन वर्षा यंत्र बुलाने के लिए भी अपने पास धन होना चाहिए, लेकिन धन तो अपने पास था नहीं, तो इसलिए ये प्लान भी अपने को ड्रॉप करना पड़ा। फिर फाइनली अपने घर पे चला गया और दिल पे पत्थर रख के अपने बाबा को बोल दिया, बाबा एक फ़ोन चाहिए था मेरे को, फ़ोन चाहिए था। तो बाबा भी बोले जा बेटा जी ले अपनी ज़िंदगी। फाइनली फ़ोन ख़रीद लिया मैंने, उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं आज। फिर आई होप आप सबको इस स्टोरी में थोड़ा इंटरेस्ट दिलचस्पी आई होंगी। वैसे फ़ोन तो मैंने सस्ता ही लिया है, वैसे कुछ महंगा नहीं लिया है, लेकिन एक बात है भाई, अपना फ़ोन सस्ता रहो या महंगा, कुछ नई चीज़ जो अपने पास आती है ना अपने लिए बहुत बड़ी रहती है। और रही बात Redmi Note 7 Pro की, आप लोगों ने देखा होगा उसका अनबॉक्सिंग रिव्यू वगैरह, ठीक है, लेकिन क्या है अपना खुद का फ़ोन अनबॉक्स करने में जो मज़ा है भाई वो नहीं है कहीं पर। ठीक है, तो चलो जल्दी से अभी अनबॉक्स करते हैं और ख़त्म करते हैं वीडियो जल्दी से। हाँ क्या बात है, बहुत सही। सो गाइस अभी हम आए हैं हमारे गोकुल भाई के स्टूडियो में, जहाँ पे अपन करने वाले अपने फ़ोन की अनबॉक्सिंग। गोकुल भाई क्या बोलते हैं, बढ़िया? तो करते हैं, अभी स्टूडियो चालू हो गया कि अपने लाइट वाइट चेक कर ली था। हाँ, तो अनबॉक्सिंग कर देते हैं अपने फ़ोन की। ठीक है, क्या बोलते तुषार भाई, बढ़िया? चलो सो गाइस मैंने अपना फ़ोन जो है फ्लिपकार्ट से बुलाया था और ऐसा कुछ बॉक्स मिला है, तो जल्दी से खोलते हैं इसको। एक्चुअली मैंने पहले चेक करने के लिए खोला था, तो अपने को ज़्यादा दिक्कत जाने वाली नहीं है, अभी फट से खोलते हैं। तो ये खोल दिया अपन ने, इसको फेंक दो। तो गाइस ये अपना Redmi Note 7 Pro का बॉक्स, अभी आएगा फ़ोन, इसको खोलते हैं। ये क्या चीज़ है, तो इसमें मिला है अपने को एक कवर, बैक कवर मिला है और एक, और ये रहा अपना Redmi Note 7 Pro का हैंडसेट। तो एक्चुअली गाइस मैंने 4GB रैम और 64GB इंटरनल वाला वेरियंट बुलाया था और ये नेपच्यून ब्लू कलर में है। ठीक है, तो ऐसा कुछ है। सो गाइज अनबॉक्सिंग का मेरा फेवरेट पार्ट है ये वाला, ये जब
अरे 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 अरे, तो ये जब पन्नी जब अपन उठाते हैं तो अलग ही मजा आता है, क्या बोलते? सो गाइस अभी करते हैं अपने फोन को चालू, देखते हैं फिर क्या होता है क्या नहीं। तो ये चालू हो गया, रेडमी बाय शाओमी। अपना फोन जो है अभी स्टार्ट हो गया, ठीक है? तो अभी इसे करते हैं बाजू में और अभी करते हैं काम की बात। तो गाइस मुझे कुछ अनबॉक्सिंग वाला कुछ वीडियो बनाना आता नहीं, जैसे अपने स्टाइल में मैंने किया, ठीक है? सो गाइस अपनी होगी सस्ती अनबॉक्सिंग पूरी, अपना फोन भी चालू हो गया, ठीक है? सो होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया लाइक करो, कमेंट में बताओ कि वीडियो कैसा था, और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन वगैरह दबा दो, बाकी सब पता है आपको, ठीक है? सो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाबा कैच यू लेटर, प्लीज।